बहुत जल्दी आना पड़ा। तो प्लेन से आया तो ट्रिप बनाकर ट्रेन से आया, ये करीबी थे। इस तरह जहाँ शिवदास ठाकुर जी का समाधि महोत्सव जैसे महाप्रभु संपन्न किया था और उसमें श्रीमन महाप्रभु ने कहा था कि जैसे जो लोग शिवदास ठाकुर की समाधि महोत्सव में उनके थोड़े ईश्वर बदलता है समाधि के लिए, समाधि में कोई चावल या फिर कोई दूध दही का योगदान करता है उसे जरूर सबको में स्थान मिलेगा। इस तरह हम सब लोग गुरु जी के समाधि में प्रणाम करते हैं। प्रणाम समाधि का अर्थ है समाधि। अभी गुरु जी श्री राधा कृष्ण के इंद्रदा में जहाँ से वो आए थे भाई वो लोग विशेष करके उनका जो गुप्त दिन था कि आज जब आप अपने नाम पर जिला जब बाबा दूसरे हमारे साथ आविर्भाव है तो इन तीन आचार्यों में आप देख सकते हैं कि इतना प्रेम था कि जब आप और श्री गुरु जी का किरवावती और जवाब रामानंद स्वामी महाराज स्वामी बात हम इसे समझ सकते हैं। जैसे श्री शिव गोस्वामी पाठ के तीन शिक्षक शिष्य थे नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, ये तीन अलग अलग देह में रहते हुए भी अभिन्न आत्मा थी। इस तरह शिष्य भी अपने आप को नहीं जानता है आचार्य उसमें कई गुना
छाने से लेकर उसके बाद भक्तिराज माधव महाराज के साथ में और उसके बाद भक्तनाथ प्रभु के साथ में विश्व भ्रमण भाव और राजा
सात्विक भाव से आंसू से देखे तो मैंने सोचा कि मैं कोटि कोटि जन्म में एक दिन भी मैं इस महाराज के चरण में धूल बन सकूं और आपके चरण में सम्मिलित हूं। तो इसी मेरे वक्तव्य को मैं यहाँ विराम देता हूँ। मैं कहता हूँ कि गुरु जी ने एक बार इस बात को स्पष्ट रूप से कहे, देखो मेरे सुन उसी के बाद तुम मत जाओ कि गुरु जी अभी वृंदावन में लीला कर रहे हैं और बाद में पता नहीं कब प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप शिक्षा मत लेना, कोई इस बात में युवा अवस्था में गुरु है उससे दीक्षा ले लेना। तब गुरु जी ने सीधा सीधा कह दिया था कि मैं जब जाऊँगा मैं मिनिमम छह से सात गुरुदेव बना के जाऊंगा, मैं जैसे ही उधर से कम नहीं होंगे। इस तरह गुरु जी ने यह भी कह दिया था कि आपको रोटे बटरे लेना है, हमको कहीं और नहीं ढूंढना है, हमको और कहीं भी नहीं ढूंढना है। हमारा अभी इस तरह अगले वक्तों को ये जान while sitting on Krishna's lap, she went to God and began to
And Krishna is saying that, he gives a commentary and marvel at the depth of her love. And then at that time he decides that now he must go to Mathura and to Gorkha and need separation from the other gopis. And this is his own expression of love to them and his way of glorifying them and showing gopis' love is of the highest standard of anybody in all of the spiritual universe. And so, how do we grasp this? Because the separation is to say, somehow or other, when life is with me, she thinks that I'm not with her. But when I'm not with her, she sees me everywhere. When she sees a dark tree, she embraces that tree and she thinks it's me. When she sees the dark cloud, she looks and says, oh, my Varuna. She sees the dark color and reminds her, and she reaches for me. Even in the very form of the night itself, she's reaching. Tasmai Sri Gurave.
ऐसी
परम से सुनाए
পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়ে তিনি তো গিয়েছিলেন, কিন্তু যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই যে মহাপ্রভুদের আপনারা ব্যবস্থা করছেন, তিনি তাদের তিনি পাঠিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। সেই নৌকাটি এইবার তিনি ফেটে দিয়ে গিয়েছেন, তিনি তো গিয়েছেন নৌকাটি এইবার আগে নৌকা তো এই মহাপ্রভুরা বৈষ্ণবরা হল এরা নৌকা সদৃশ। আমরা अगर हम सब गुरु जी ने आप प्रसाद प्रसाद बढ़ाए और सभी
Translation frequency is 4146. Who are you? This is translation. The frequency number 4146. Simultaneous crisis is going on. So your frequency number 4146. दूसरे हैं जो मॉक्स बचती हैं मॉक्सर हैं गुरु जी किसी शिष्यों से थोड़ा तो हट करके उनकी भक्ति का दर्शन प्रदर्शन करते हैं और जैसे हमारे सौभाग्य हुआ उस लोगों का आशीर्वाद है। सबसे पहले चित्तवाड़ी की सेवा करते थे, चित्तवाड़ी संस्कृत कॉलेज पढ़ने के लिए भले जो कर सकते हैं आपने सेवा किया तो धर्म नहीं है, ये बात सही। अब आगे तीनों का सहयोग पानी और कोई सेवा करते हैं जिसमें आजीवन आबादी हूँ। ऐसे जो गुरु जी को ईश्वर से बहुत दूर रह करके इनको भक्ति का तो बड़ा प्रसन्न करते हैं। जब कोई का सच है हम से दूर हो गए और गुरु जी आपके देश से दूसरे से जाने पर हमारा भक्ति होता भी खड़े रहे बिना सोचे। ऐसे ही तो तीन नए के राज्य से भी बड़ा प्रसन्न करते हैं। ऐसा हम भी सुनना पड़ेगा गुरु जी हमारे साथ हैं। हम जो इस कार्य में देख रहे हैं आज देख रहे हैं सब करते हैं। कोई ना सोचे कि चले गए प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको सामने नहीं हो रहा है हमारे हृदय प्रतिक्रिया का हल्का तो दिखा रहता कैसे मैं बीता रहा हूं। छोटा बच्चे की फट पालन पसंद किया जो लोग हमारे साथ में थे कुछ पर सिद्धार्थी महाराज मदद से तो प्रेरणा तो संजय रफनी रामकृष्ण सुंदर गोपाल मधुदत्त दामोदर महाराज दिल्ली कृष्ण और बहुत से लोग जो देखा कैसे जानते होंगे। और ये लोग भी कोई नहीं जैसे कोई खेल अपना की मन पर की जीतती है ऐसे ही ये सभी लोगों ने अपने दिया के लोगों सेवा किया इसी तरह लोगों के आभार है। हमारे गुरु महाराज जी गुरु जी दूसरा तीर्थ महाराज इन्होंने इतना खुश कभी कहा इतना सुहाग था हम इसको भाषा में वर्णन नहीं कर सकते। पूज्य पर तीर्थ महाराज जी जब तक आचार तैयार नहीं दिखाया कहते थे नारायण मंदिर के शिष्य सब मेरा शिष्य है। और गुरु महाराज जी बढ़ते कुछ भी हो वो जो कहेंगे वही होगा। अच्छी महाराज जी जो भी आदेश देते हम लोग को और जो शासन करते गुरुवर ने कभी भी कभी ऐसा नहीं किया आज एक बैठ करते और तुम लौट से निकल जाओ हमें पास होता है। जब पूज्य वस्तु अपरगट हुए तो उनकी महिमा कम न हो इसलिए हमारे गुरु पार्षद उसी की आप
प्रकट कर दिए, हम प्रकट अपने जगत को दिखाया श्री गौरव जी के इंटीमेसी है। जब हमारे गुरु महाराज जी का गीत के कारण से छूट गया था और धन्यवाद श्री भगवान की आस्था बैठने से कलकत्ता में, उस समय श्री महाराज जी उसको लेकर के कलकत्ता आए दोनों को देखने के लिए, और तीनों में इतनी इतनी इंटीमेसी थी, इतनी घनिष्ठ संबंध था, उसने उनका सीधे हाथ कर लिया होके कितनी कभी असम रैली करना पड़ा। 2009 में आए थे तो देखने के लिए जा नहीं सके, फिर जमीन का सुस्त हुए, फिर पूजा के निर्माण हो गए, हनुमान जी सब भी तीनों मिले, और जब गुरुवार जी का अपने अप्रकट की था कार्तिक में, हम सब लोग बहुत घबराए हुए थे, तीनों में इतनी घनिष्ठता थी, पता नहीं उन्हें क्या हुआ, हम सब लोग चिंता कर रहे थे। उस दिन को भी किया और हम लोग ने कभी नहीं कहा परसों पर अस्वस्थ थे, अस्वस्थ कमजोर थे, हम जब देखी लिया तो होटल में थे, उसके बाद ये सब कुछ सब अभी उन्होंने पहले से सवाल कर रहे थे, तो दिन दोनों टाइम वो टहला था, उनके सजन में तेल लगा करके स्नान कराते, खाते समय पर नीम पत्ता मैंने पासी से आती है, मेरे पिछकार ने किया हमारा खा लो, पूरा खा लो, खा लो उसे सिर्फ हाथ से किया था। और सब समय कम से कम तीन साधन उससे कमे रह रहे थे, और जब समय तो कम से कम दर्शन नहीं जाते थे, मैं कहीं नहीं गया, स्वस्थ रहता था और समय पर विश्रम भी कर लेता था, रात को 11 बजे जाकर किसी से बजे से कहीं भी नहीं आया, सो रहे सब ठीक ठाक है, हम लोग के पास सब चिकित्सा की सुविधा थी, ऑक्सीजन हार्ट बीट चेक करने के लिए ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन मशीन थी, सब कुछ व्यवस्था हम लोग कर दिया था, और जरूरत थी जो जाने लोग सभी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ा। फिर रात को 2:30 बजे तो जरूर बच्चे बजे से सोने के बाद भी जब जरूरत देखिए ना फिर पड़ता है, ऐसे रात में जो लोग सुबह के लगते थे वो लोग बहुत ही ज्यादा दिखाते, हम मैं रात के 2 बार में 3 बार में एक बार आके देखने जाता था, और माइक में और लाइट में जाकर के पुलिस को आने की जरूरत था, पहले रात में सिद्धांत महाराज सुंदर रूपा एक बार अक्षुण रूपा की दौरिया है, दौर दौर दिया है, वो भी आज है जी, और उसे वापिस गए बहुत जो कदम पहुंचाई, लेकिन वो पुलिस को लोग आते होते समय रहते थे, सबके लिए कुछ दिन आगे चलना संभव नहीं था, इसलिए 10 दिन के बाद सीक्वेंस करना पड़ता था, सीक्वेंस 2:30 बजे के लिए लगे संजय जी का पानी पी के, और फिर आपको बिताया पीए फूल देना था, लड्डू को लड्डू किए औसत दिया, लोग तब से ले गए तो बताया मुझे बैठने जाकर सवाल लेता हूँ, जब ले जा दिया तो उसने और फिर माता पिता को
और अभी ये रात को 3 बजे आप लोगों का भीड़ डॉक्टर कभी मैं शांति में नहीं देख सकता जो भी थी कभी कभी दो चार सेकंड के लिए आज भी डॉक्टर से दिखा रहा है इसलिए मैं अभी ये सब सकता ठीक है फिर हम आपने जैसे दिखाया दसों के वैसे तो मैं बहुत सेवन के वैसे था तो दिखा ना पास आ रहा है बाहर आ रहा है फिर हम लोगों ने थोड़ी अपेक्षा की पीछे किया फिर उन्होंने भी कार्य कर दे दिया असली में ये करने हम लोगों का पास था सब ने दे दिया सब पूरा के सब विश्वास चल गया और गुरु जी ने बहुत आदेश दिया था कि मुझे गोवर्धन में या नवद्वीप में समाधिस्थ करना जब हम जगन्नाथपुरी के लिए आए तो आने के लिए कब तक था उन्हें बता दिया था कि पैसा मेरा घर नहीं है घर नहीं आई मुझे नवद्वीप ले चलो हम लोगों ने बताया गुरु जी नवद्वीप बहुत ठंडा है तो जगन्नाथपुरी ले चलो तो देखो तुझे प्राप्त भक्ति को सुखी जब सही माना है वहीं पर जाकर सही चला करने के लिए सही चलूंगा और प्रभु जय जगत सिंह प्रभु की प्रमुखी को सरकार एक महान की प्रमाण सेवक थे जब पूरी को सरकार ने सन्यास लिया था उनकी जो सेवा कर सकते तो उनकी इच्छा प्रकट कर दिया था और मुझे बताया था देखो तुम अपने और भी समय देखना किसी की बात नहीं मानना है किसी की किसी मत प्रार्थना करके मत करना मैं नहीं चाहता हूँ कि चारों तरफ धूल लगा हुआ है मैं से लगा हुआ है सोच करके चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मुझे धाम में और सामने रूप में सुनिश्चित करूँ मुझे किसी की मत प्रार्थना करके नहीं करना जो भी उनकी इच्छाएं थी धाम में ले गए समय समझे नहीं ले गए जहां तक हो सके सेवा हम लोगों ने करने की कोशिश की यह बहुत दुख है कि हम लोग इतने सेवा करने के बावजूद भी हम लोग छोड़ के चले गए एक आगा की मैं समाप्त करता हूँ जब इस प्रकार से